मोहतरम नाजरीन, आज माहे शाबान की फजीलत अजमत और बरतरी का बयान लेकर हम हाजिर हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत और बख्शिश के दरवाजे यूं तो हर वक्त हर एक के लिए खुले रहते हैं। उसके रहमत का साइबान हर वक्त हर लम्हा बंदु पर साया फिगन रहता है। उस गफ्फार रहमान और रहीम परवरदिगार ने अपनी इस ज़ईफ और नातवां मखलूक पर मजीद करम फरमाने और अपने गुनहगार बंदु की लग्जिशों गुनाहों और खताओं की बख्शिश और मगफिरत और महबूब और मुकर्रमीन बारगाह को अपने इनामात से मजीद नवाजने के लिए बाद निस्बतों की वजह से कुछ सावतों को कुछ घड़ियों को कुछ अवकातों लम्हात को खुसूसी बरकत और फजीलत अता फरमाई है। जिन सावतों में उसकी रहमत और मगफिरत और अताओं का समंदर ठाठे मार रहा होता है और जिन्हें वो खास कबूलियत के शरफ से नवाजता है, उन खास लम्हात खास दिनों और खास महीनों में जिनको ये फजीलत और अजमत हासिल है, रब्बे कायनात की रहमत की बरसात मामूल से बढ़ जाती है। उन्हीं खुसूसी सातों में माहे शाबानुल मुअज्जम को एक खास अहमियत और फजीलत हासिल है। लिहाजा शाबानुल मुअज्जम वो बाबरकत महीना है जिसमें भलाइयों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस मुकद्दस महीने में आसमान से बरकतें उतारी जाती हैं और गुनहगार बख्शिश पाते हैं। लिहाजा माहे शाबान की आजमतों को अपने दिल में बिठाए अल्लाह तबारक व ताला तमाम मुसलमानों को इस माहे मुबारक की अजमतों फैजान से मालामाल फरमाए।